अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एफ जी ग्रामर स्कूल क्लास फोर क्लास वन सब्जेक्ट आप लोगों का साइंस है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फोर पे आप लोगों को सवाल जवाब सारे आप लोगों के कंप्लीट हो गए थे। अब हम आएंगे एक्टिविटी पर। एक्टिविटी आप लोग के पास है, इन द पिक्चर बिलो मार्क द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये तीन पिक्चर्स दी हुई हैं आप लोग को, आप लोग को बताना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। सबसे पहले आप लोग के पास जो पिक्चर बनी हुई है ये है ऑरेंज जूस की। ऑरेंज जूस, जूस जो है वो लिक्विड में आता है, ठीक। तो इसमें इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, लिक्विड। नंबर टू, एक हाउस है, एक फैक्ट्री टाइप की बनी हुई है, उसके ऊपर से आप लोग के पास धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकल रहा है तो ये क्या है, ये धुआं किस मैटर के कौन सी टाइप में आता है, गैस में। उसके बाद ये पेंसिल बनी हुई है, पेंसिल जो है वो हार्ड होती है और ना ही उसकी शेप चेंज होती है, तो कौन सी टाइप में आएगा, सॉलिड। सबसे पहले आप लोगों ने ये जूस, ऑरेंज जूस को बनाना है, उसके नीचे ऐसे ही लिक्विड होगा, ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ऐसे हाउस बनाना है, उसके ऊपर से स्मोक निकल रहा होगा और आप लोग नीचे लिखेंगे गैस। उसके बाद ये पेंसिल बनेगी और पेंसिल के नीचे आप लोग लिखेंगे सॉलिड, ठीक। ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में करिएगा, राइटिंग बिल्कुल क्लीन रखिएगा, पेंसिल शार्प करके काम करिएगा। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, राइट दिस आइटम अंडर द करेक्ट हेडिंग। आप लोग के पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं और नीचे सॉलिड लिक्विड और गैस के पार्ट्स हैं, हेडिंग डली हुई है। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ लिक्विड है और कौन सी चीज़ गैस है। अब यहाँ पे पहले हम चीज़ों को पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ दी हुई है। सबसे पहले आप लोग के पास है मिल्क। मिल्क जो है वो कौन सी टाइप है, मिल्क जो है वो कौन सी टाइप है, वो है लिक्विड। तो सबसे पहले हम लिक्विड के फर्स्ट ऑप्शन पे हम लिख देंगे मिल्क। नंबर टू आपके पास है टेबल। टेबल हार्ड होता है तो टेबल किस में आ जाएगा, सॉलिड में। नंबर थर्ड एयर। एयर हवा में, हवा के ज़रिए होती है, गैस की शेप में होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के अंदर, तो किस में आ जाएगा, गैस में। नंबर फोर्थ आपके पास है स्मोक। स्मोक भी ऊपर आपने पढ़ा था, स्मोक कौन सी टाइप में आती है, गैस में। फिर है वाटर। वाटर पानी, पानी कौन सी शेप में जाएगा, कौन सी टाइप में जाएगा, लिक्विड में। फिर है स्टोन। स्टोन पत्थर, पत्थर हार्ड होता है, किस में आएगा, सॉलिड में। फिर है स्टीम, भाप। भाप कौन सी टाइप में आएगी, गैस में। फिर है ब्रिक। ब्रिक जो है वो हार्ड होता है, किस में आएगा, सॉलिड में। उसके बाद है मैंगो जूस। मैंगो जूस कौन सी टाइप में आएगा, लिक्विड में। ये आप लोगों को बुक में भी मिलेगा, बुक से भी देख के कर सकते हैं। और यहाँ मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, इस तरीके से काम होगा, एज इट इज़ काम होगा। जैसे सॉलिड के नीचे मैंने एक लाइन का स्पेस देके फिर काम किया है, लिक्विड के बाद भी एक लाइन का स्पेस देके फिर काम किया है, ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही नीट एंड क्लीन करिएगा। क्वेश्चन को ब्लू कलर से लिखिएगा ताकि वो परमानेंट नज़र आए। यह आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था और ये आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। अब आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने लर्न करना है चैप्टर नंबर वन को, ठीक है। चैप्टर नंबर वन को आप लोगों ने लर्न करना है और आप लोगों का चेकिंग डे ट्यूसडे वाले दिन है। ट्यूसडे वाले दिन आके आप लोग अपनी अपनी सारी कॉपीज चेक कराइएगा और जो चीज़ समझना है वो ट्यूसडे वाले दिन आके आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।